नवनिर्मित किरतपुर मनाली फोरलेन स्वारघाट पुलिस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। लोग फोरलेन पर सफर करने से बाज नहीं आ रहे। मनाही के बावजूद भी फोरलेन पर गाड़ियों की भीड़ देखने को मिल रही है, जो पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बन गई है। ऐसे में स्वारघाट पुलिस पूरा दिन फोरलेन पर जगह जगह नाके लगाकर इन वाहनों को रोकने का काम कर रही है। इसी के साथ टूरिस्ट सीजन चरम पर होने से नवनिर्मित फोरलेन पर वाहनों का जमावड़ा बढ़ गया है, जिससे फोरलेन को फाइनल टच दे रहे कामगारों को काम करना मुश्किल हो गया है और पुलिस बेपरवाह वाहन चालकों को समझाने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं स्वारघाट से पवन ठाकुर। कीरतपुर मनाली फोरलेन पुलिस के लिए भी गले की फांस बनता जा रहा है। शुरुआत में इस फोरलेन को ट्रायल बेस के तहत खोला गया था, जिसके बाद अब इस फोरलेन पर फाइनल टच दिया जा रहा है और इस फोरलेन मार्ग को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब वाहन चालकों को खासकर छोटे वाहन चालकों को रोकना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। एक तो इस फोरलेन को यह फोरलेन जगह जगह संपर्क मार्गों से जुड़ा हुआ है। यदि एक जगह पुलिस नाका लगाकर वाहन चालकों को रोकती है तो छोटे कार वाहन चालक खासकर बाहरी राज्यों के दूसरे संपर्क मार्ग से फोरलेन पर उतर आते हैं, जिससे इस फोरलेन को काम करना मुश्किल हो गया है। बाहरी वाहन चालक टूरिस्ट सीजन अपने चरम पर है और यदि पुलिस वाहन चालकों को रोकती है तो वह उनसे बहस करती है और यहाँ तक कि हाथापाई पर भी उतारू हो जाती है। देखिए, पुलिस जगह जगह नाके लगाकर वाहन चालकों को समझा रही है, लेकिन वाहन चालक है कि समझने से बाज नहीं आ रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।